ओ हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सन 2002 में हुए उत्तर प्रदेश में घटी ऐसी घटना के बारे में जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला के रख दिया था। पूरे देश में उस घटना की वजह से डर का माहौल बन गया था। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सन 2002 उत्तर प्रदेश वाराणसी के एक छोटे से गांव में अपनी छत पर सो रहे किसान के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। वो किसान अपनी छत पर सो ही रहा था, तभी अचानक से उसे अपने चेहरे पर कुछ जलन सी महसूस हुई और कुछ अजीब सा दर्द महसूस हुआ। और उसने अचानक से अपनी आँखें खोली और उसने जो देखा वो शायद ही अपनी ज़िंदगी में उस घटना को कभी भूल पाए। उसने जो देखा उसे देख के वो बहुत बुरी तरह से सहम गया। उसने देखा कि एक काला सा दिखने वाला अजीब सा जीव उसके चेहरे पे बैठा हुआ है और उसके चेहरे से खून पी रहा है। वो दर्द से तुरंत चिल्ला पड़ा। आवाज़ सुन के उसके आसपास लोग आए और जब लोग आए तो उन्होंने देखा कि किसान के मुंह से खून बह रहा है। उसके चेहरे को काफ़ी बुरी तरह से नोचा गया था। वो किसान काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया गया। इस घटना के बाद कई सारे ऐसे गांव सामने आए जहां पर यही घटना घटी थी। लोगों का कहना था कि एक काला सा दिखने वाला अजीब सा क्रिएचर या तो कहो काला छाया उनके चेहरे पे बुरी तरह से अटैक कर देता है और इसके जो शिकार बनते थे लोग वो इतनी बुरी तरह से घायल होते थे कि उनका चेहरा देखने लायक ही नहीं बचता था। उनके चेहरे से काफ़ी बुरी तरह से खून बह रहा होता था। धीरे धीरे करके इस बात ने काफ़ी ज़्यादा आग पकड़ ली और पूरे देश में इस काले से क्रिएचर के बारे में बात होने लगी। और जब ये बात काफ़ी ज़्यादा आग की तरह फैली तो लोगों ने इस जीव का नाम रखा मुंह नोचवा, यानी कि स्थानीय भाषा में मुंह को नोचने वाला मुंह नोचवा। इस मुंह नोचवा की इतनी दहशत बढ़ गई थी उत्तर प्रदेश में कि लोगों ने 6 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। लोगों ने अपनी छतों पर सोना बंद कर दिया था। उन्हें यही डर सताता था कहीं मुंह नोचवा ना आ जाए और उनके चेहरे पे हमला ना कर दे। ये डर उनके दिलो दिमाग में बैठ गया था। ये डर उनके दिमाग में इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोगों ने 6 बजे के बाद अपने गाँवों में थाली बजाना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था कि थाली की आवाज़ सुन के मुँह नोचवा डर जाएगा और वो उनके पास नहीं आएगा। जब केसेस नहीं रुके और केसेस बढ़ते गए तो फिर वहाँ की पुलिस एक्शन में आई और उन्हें आदेश दिया गया कि रात को सारी पुलिस टीम पेट्रोलिंग करेगी। लेकिन जब पुलिस वाले एक्शन में आए और उन्होंने पेट्रोलिंग की तो कोई सबूत नहीं मिले किसी भी मुँह नोचवा के। फिर धीरे धीरे ये मामला ठंडा होने लगा। कई लोगों ने बताया कि मुंह नोचवा सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन जो उसके शिकार थे उनकी बातों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई थी। उनके चेहरे को काफ़ी बुरी तरह से नोचा गया था। लेकिन समय के साथ ये मामला ठंडा होता गया और मुंह नोचवा के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। धीरे धीरे मुंह नोचवा के होने पर भी सवाल उठने लगे और एक दिन ऐसा आया कि मुंह नोचवा को सब भूल गए। लेकिन जो मुंह नोचवा के शिकार बने थे वो लोग आज भी मुंह नोचवा पे विश्वास रखते हैं और मुंह नोचवा का नाम आते ही उनके चेहरे पे एक अजीब सा डर साफ साफ देखा जा सकता है। उनकी माँ ने तो मुंह नोचवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ और फुर्तीला होता है जो कि रात में लोगों को अपना शिकार बनाता है और उसका शिकार बना हुआ इंसान काफ़ी बुरी तरह से घायल होता है। और कई लोगों का ये भी मानना था कि मुंह नोचवा कोई एलियन है जो कि इस धरती पर आया था और धीरे धीरे वो यहाँ से चला गया। इन बातों में कितनी सच्चाई है आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन आज मुंह नोचवा सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड में एक हिस्ट्री बन के रह गया है। लेकिन आज भी आप अगर उत्तर प्रदेश में जाके किसी बुज़ुर्ग से पूछेंगे मुंह नोचवा के बारे में तो मुंह नोचवा के बारे में बताते हुए उसकी शक्ल पे आप
खौफ को साफ साफ देख पाएंगे। क्या आपको पता था मुंह नोचवा के बारे में? क्या आप जानते थे मुंह नोचवा के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आपने महसूस करी है वो खौफनाक रात जब हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही डर रहता था कि मुंह नोचवा ना आ जाए? ओ, ये कहानी थी मुंह नोचवा की, जिसने लोगों के दिलों में उत्तर प्रदेश में खौफ भर दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।